हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल करेंगे और इसमें हम अभी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन तो हमारा इंट्रोडक्शन में अभी ये पार्ट रह गया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आज हम जानेंगे एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और फ्रैक्शन को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये दो फ्रैक्शन लिए, 6/8 प्लस 3/8, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में दोनों जगह क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और करने का तरीका क्या है, जब 8 हमारा एलसीएम आ गया तो क्या हो गया, 8 एकम 8, तो ये हो गया 6, 6 एकम 6, 1 आया, 1 की हमने 6 से मल्टीप्लाई करी। या इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 हमारा एलसीएम आया, राइट। तो हम क्या करेंगे, 8 वन जा 8, तो 6×1 हो गया, प्लस 8 वन जा 8, तो 3×1 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9/8, राइट। क्या आंसर आ गया, 9/8। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखते हैं कि क्या यह हो सकता है। नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है क्योंकि हम उसी से डिवाइड करते हैं, एक ही टेबल से हमें डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 9 और 8 किसी एक की टेबल में नहीं आते हैं, यानी कि यही क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, राइट। एक अनदर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ये तो हमारा हो गया 1, जहाँ पे हमारे क्या है, डेनोमिनेटर सेम है। अब हम देखते हैं जहाँ पर डेनोमिनेटर हमारे अलग अलग हैं, जैसे 7/2 प्लस 8/3, यहाँ पे क्या है, डेनोमिनेटर में 2 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। तो 2 एकम 2, 3 बचा 3, 3 वन जा 3, यानी कि एलसीएम हमारा क्या आ गया, 2×3 इज इक्वल टू 6। इन दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हम लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ 6 है, तो 6 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। नीचे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर कितने से करेंगे, 3 से करेंगे, राइट। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, इस 3 को 6 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से। तो ऊपर भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो नीचे हमारा क्या हो गया, 6, और यहाँ पे भी क्या हो गया, 6, 2×3 6 और 3×2 6, यानी कि एलसीएम हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम ऊपर वाली उतार देंगे, 7×3 प्लस 8×2, तो ये हो जाएगा 7×21 प्लस 8×2=16/6, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 6×1=7 और 2×1=3, 37/6, यानी कि अब हम देखते हैं क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है। नहीं, क्योंकि 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये किसी की टेबल में नहीं आता है, ये खुद की टेबल में आता है, तो यही क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, जहाँ पे क्या है, होल नंबर हमें दिया है 6+2/3। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसके नीचे 1 लगा लें, राइट। तो ये क्या हो गया, 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 एकम 1 और 3 का 3 बन जा 3, यानी कि एलसीएम हमारा क्या आ गया, 3×1=3। तो एलसीएम हमारा 3 आ गया, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1, यहाँ तो 3 है ही, 1, तो ऊपर किससे करेंगे, 1 से, यानी कि ऊपर क्या आ गया, 6×3 प्लस 2×1, राइट। तो 6×3=18 प्लस 2/3, यानी कि 20/3, राइट। अब सब्ट्रैक्शन में क्या है, बस प्लस की जगह हमें क्या करना है, माइनस करना है, राइट। एक समझ लेते हैं हम, जैसे सब्ट्रैक्शन में क्या है, जैसे 6/8 है, बस साइन हमारा चेंज हो जाएगा, 6/8 है, माइनस का 3/8 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, और 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3/8,
यहाँ प्लस कर दिया था, यहाँ माइनस कर दिया, राइट। ऐसे ही है हमारा 7/2 माइनस 8/3 हम कर दें, यहाँ पर प्लस था, यहाँ हमने माइनस कर दिया, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 2 और 3 का एलसीएम क्या आया हुआ है 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाने के लिए, तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 7 × 21 माइनस, माइनस का है तो माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का 16, तो ये हो गया हमारा 5/6, राइट। बस हमें प्लस की जगह क्या करना है, माइनस करना है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कि हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। जैसे हमारे पास दिया है फर्स्ट 5/2 × 3, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम 3 के नीचे 1 लगा लें, तो क्या है न्यूमरेटर, जो ऊपर न्यूमरेटर ऊपर की चीज़ हमारी क्या कहलाती है, न्यूमरेटर, और नीचे की डेनोमिनेटर, तो हम ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 15 आस्तियाँ 15, और नीचे नीचे की मल्टी डेनोमिनेटर की और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 2, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 15/2। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस तरीके का फ्रैक्शन आ जाए 7/2 × 4/9, तो तब भी हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 × 28/18। अब देखेंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये किससे कटेगा, तो 2 से काटो 2 × 18, 2 × 2, 2 × 8, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया 14/9, राइट। थर्ड हम देखेंगे कि अगर होल नंबर हमारा पहले दिया हुआ है और डिजिट और फ्रैक्शन हमारा बाद में दिया हुआ है, तो भी कोई बात नहीं, हम इसके नीचे 1 लगा लेंगे और क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई 5 × 15/2, राइट। तो फ्रैक्शन, जब हमारा फ्रैक्शन दिया और होल नंबर दिया हो, तो हम ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यही काम हमें सारे में करना है, दोनों फ्रैक्शन दिए हुए हैं तब भी हम ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन को समझेंगे। जैसे ऐसे लिखा है 8/5/3, तो बस इसमें हमें क्या करना होता है कि 8 और डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और इस फ्रैक्शन को हम पलट देंगे और क्या कर देंगे, 8/5/3 आगे कर देंगे 3/5। बस अब ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की तरह हो गया, 8/1 कर लें, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई 8 × 24/5 × 5, तो ये हमारा क्या हो गया, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। अगर क्या हो, सेकेंड तरीका हमारा ये हो कि 6/8/5/4, इस तरीके से हो, दोनों फ्रैक्शन का डिवीज़न हो, तब भी हम क्या करेंगे 6/8 लिखेंगे, राइट, और डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और इस फ्रैक्शन को हम उल्टा करके लिख देंगे, 5/4 को क्या लिख देंगे 4/5, तो ये क्या हो गया 6 × 24/8 × 40। अब इसको काट दो, 6 × 24 किससे कटेगा, 4 × 24 = 4, ये कट जाएगा, 2 × 6 = 2, 5 = 10, यानी कि 3/5 क्या आ गई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। तो यही क्या है, इसका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का,